हेलो लर्नर, माय नेम इज रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि को क्लासेस फॉर यूजीसी। इस वीडियो में बिजनेस साइकिल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम जो है कि सैमुएलसन की बिजनेस थ्योरी को जो है स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने जो है फेजेज ऑफ बिजनेस साइकिल किया हुआ था। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ट्रेंड के बारे में बताऊँगी कि ट्रेंड क्या होता है। ठीक, तो ट्रेंड जो होता है हमारा टाइम सीरीज में होता है। टाइम सीरीज में हमारा ट्रेंड होता है जिसको आप स्लाइटली और फ्लक्चुएशन, रैंडम और जो है आपका सीजनल, इस तरीके के होते हैं। ठीक, और बिजनेस साइकिल में ट्रेंड क्या होता है? बिजनेस साइकिल में ट्रेंड आपका इस डायग्राम से रिलेटेड है कि ये प्रॉस्पर्टी कितने से कितने टाइम तक रहती है। ठीक, यानी कि इसका ट्रेंड क्या होता है, ये जो आपका ये यहाँ से प्रॉस्पर्टी, रिसेशन, डिप्रेशन है, ये कौन सा कितने टाइम रहता है और इनका साइकिल क्या होता है, जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक तो ये कैसे घटता बढ़ता है। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक, तो जो प्रॉस्पर्टी और रिसेशन दोनों मिलके होते हैं, ये हमारे जो है साइक्लिकल में आते हैं। इसी तरह जो है कि ये इसी से रिलेटेड है। ठीक, तो वो हम सारी चीज़ें करेंगे लास्ट में। पहले हम जो है सैमुएलसन की बिजनेस साइकिल थ्योरी स्टार्ट करते हैं। उस सैमुएलसन की बिजनेस साइकिल थ्योरी में हम जो है कि ये चीज़ें भी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम फ्लक्चुएशन, जिसमें ये बताते हैं कि एमपीसी और हमारे बीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक, ये वाली चीज़ें, ये हमारा सैमुएलसन क्लासिफिकेशन ऑफ द रीजन ऑफ डिफरेंट साइकिल। वी हैव सीन दैट मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर वर्किंग टुगेदर शेप द प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन, बट प्रोफेसर पॉल एंड सैमुएलसन वेंट फर्दर एंड शोड दैट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर हमारा होता है डेल वाई बाई डेल आई बाई डेल वाई, वेट, हाँ, डेल आई बाई डेल ए होता है हमारा। इट इज़ पॉसिबल टू गेट इनकम फ्लक्चुएसन साइकिल ऑफ वेरियस टाइप। तो उससे रिलेटेड जो है मैंने डायग्राम बताए हैं और वैल्यू बताए हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अल्फ़ा की वैल्यू 0.5 है और बीटा की वैल्यू जो है 0 है। दिस गिव्स अस प्योरली मल्टीप्लायर इफेक्ट विद इनकम अप्रोचिंग द पीक। हियर द एक्सीलरेशन कोफिशियंट इज 0। आप यहाँ पे रीजन ये वाला पोर्शन देखेंगे जो हमारा प्रॉस्पर्टी को दिखाता है। ठीक, वहाँ पे जो है हमारा एक्सीलरेशन कोफिशियंट 0 है। दिस इज़ द केस ऑफ फ्लक्चुएशन हैविंग मल्टीप्लायर इफेक्ट ओनली वेयर इनकम अप्रोचेस असिम्प्टोटिक लेवल। तो ये हमारा जो है सैमुएलसन ने बाद में दिया है जब उन्होंने 4 लेवल आप अपना समझा लिया है। तो हम जो है सैमुएलसन की थ्योरी स्टार्ट करते हैं शुरू से, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको पता होगा ये वाला जो है यूपी पीजीटी में अभी पूछा है। ठीक, और आपको हर जगह ये नहीं मिलेगा, नहीं तो आप जा कर के चेक कर सकते हैं। अगर आपको कहीं मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थ्योरीज ऑफ बिजनेस साइकिल, तो जे एम किन्स ने भी थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल दिया है। तो उन्होंने जो है कि बताया है कि इन्वेस्टमेंट में अप्स और डाउन होते हैं। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट में अप और डाउन से जो है कि डिमांड होती है वो डिपेंड करती है हमारे प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन पे। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट की डिमांड होती है उसमें कम होगा या ज़्यादा होगा वो हमारे जो है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन हमारा जो है एंटरप्रेन्योर का, उसके ऊपर डिपेंड करती है, जिसकी वजह से हमारे एग्रीगेट डिमांड में चेंजेज होते हैं। और ये जो चेंज होता है एग्रीगेट डिमांड में वो आपके एम्प्लॉयमेंट आउटपुट और लेवल ऑफ इनकम को जो है इफेक्ट करता है। किन्स ने जो है कि दिखाया कि किस तरह से जो है कि इन्वेस्टमेंट में कमी होने से या ज़्यादा होने से आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट जो है ऊपर नीचे होता है। बट किन्स ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि किस तरह से साइक्लिकल और कम्युनेटिव नेचर, मतलब कम्युनेटिव चेंजेज होते हैं, फ्लक्चुएशन होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से। ठीक, तो उन्होंने जो है कि ये साइकिल को समझा नहीं पाए और एक्सीलरेटर के बारे में भी वो समझा नहीं पाए। और इस चीज़ को जो है पॉल ए सैमुएलसन ने 1939 में अपने एक पेपर में, और उनके पेपर का नाम है पी एस
इंटरेक्शन बिटवीन द मल्टीप्लायर एंड द प्रिंसिपल एक्सीलरेशन, यानी अगर एक लाइन में कहे तो सैमुएलसन का बिजनेस थ्योरी जो है वो डिपेंड करता है एक्सीलरेटर और मल्टीप्लायर के इंटरेक्शन पे। ठीक, यहाँ पे एक्सीलरेटर क्या है, कैपिटल आउटपुट रेशियो है, यहाँ पे एक्सीलरेटर कैपिटल आउटपुट रेशियो है और यहाँ पे मल्टीप्लायर डेल सी बाई डेल वाई है। ठीक, और जो हमारा यूपी पीजीटी के एग्जाम में पूछा था एक्सीलरेटर का फॉर्मूला, वहाँ पे वो था डेल आई बाई डेल ए। ठीक, तो यहाँ पे बता रहे हैं सैमुएलसन कि जब मल्टीप्लायर और एक्सीलरेशन का जो इंटरेक्शन होता है तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में फ्लक्चुएशन करता है। ठीक, मल्टीप्लायर जो है अकेले जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकता साइक्लिकल और कम्युलेटिव नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी को, कि किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी साइक्लिकल नेचर में चलती है और कम्युलेटिव नेचर में चलती है। तो इसके लिए जो है उन्होंने बताया कि हम जब ऑटोनोमस इंक्रीज इन लेवल को जो है इन्वेस्टमेंट ऑफ लेवल को जो है इंक्रीज करते हैं, तो आपको पता है ऑटोनोमस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है हमारा इन्वेस्टमेंट एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, और ये जो है पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, ये यूजीसी नेट में क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो ये जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये जो है मल्टीप्लाइड होती है, यानी कि मल्टीप्लायर इफेक्ट के थ्रू जो है ये इंक्रीज होती है कई गुना। ठीक, और फिर जब ये इसको हम इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पे जो है मल्टीप्लायर के जगह जो है एक्सीलरेटर जो है इफेक्ट होता है। ठीक, जब इन्वेस्टमेंट में जो है कि इंड्यूस करके हम इनकम इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे एक्सीलरेटर इफेक्ट होता है। द इंक्रीज इन इनकम ब्रिंग्स अबाउट इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस, इनकम के इंक्रीज होने की वजह से आपको पता है कि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी और फिर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, फिर आपका आउटपुट इंक्रीज होगा। टू प्रोड्यूस मोर गुड, मोर कैपिटल गुड आर रिक्वायर्ड फॉर विच एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट इज अंडरटेकन, दस द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम इज म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द एक्सीलरेटर और मल्टीप्लायर। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपना क्या है, इन्वेस्टमेंट अफेक्ट करता है इनकम को, विच इज टर्न अफेक्ट इन्वेस्टमेंट डिमांड, ये जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किस तरीके से जो है हमारा इन्वेस्टमेंट जो है हमारा अफेक्ट करता है इनकम को, अफेक्ट इन्वेस्टमेंट डिमांड। ठीक, फिर उसके बाद ये प्रोसेस चलता है इनकम और एम्प्लॉयमेंट फ्लक्चुएशन में जो कि साइक्लिकल मैनर में होता है। अब यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट जो है इनकम को अफेक्ट करता है, फिर यहाँ पे जो है वो टर्न अफेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि जब इनकम कम होगी तो जो है इन्वेस्टमेंट कम होगी हमारी, सॉरी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से एक तरफ तो जो है कि प्रोडक्शन कम होगा। ठीक, प्रोडक्शन कम होगा, सप्लाई कम होगी तो प्राइसेज इंक्रीज हो जाएंगे, दूसरी तरफ इनकम कम इन्वेस्टमेंट कम होगी यानी सेविंग ज़्यादा है, सेविंग ज़्यादा है, लोग इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे हैं यानी कि लोग कंज्यूम भी नहीं कर रहे हैं, तो डिमांड भी कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है यानी ये जो है धीरे धीरे ये जो है गिरती जा रहा है, डैम्प्ड होती जा रही है। ठीक, तो यहाँ पे जो है इनकम और एम्प्लॉयमेंट में फ्लक्चुएशन होगी, क्योंकि जब यहाँ पे जो है कि डिमांड भी कम है, प्राइसेज ज़्यादा हैं, सप्लाई कम हो रही है, तो जो एम्प्लॉयड है यानी कि जो पहले से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं वो तो कम होते जाएंगे ना, तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। फिर यहाँ पे बता रहा है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है डेल आई बाई डेल ए, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ये देखिए टेक्स प्लेस कॉन्सिक्वेंटली थ्रू मल्टीप्लायर इफेक्ट इनकम इंक्रीजेज, यानी इनके सैमुएलसन में हमारा जो है मल्टीप्लायर और इंट्रैक्शन इफेक्ट के थ्रू ही हमारा जो है साइक्लिकल जो मैनर है ऑफ बिजनेस साइकिल वो होता है। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि हमारा जो है कि इन्वेस्टमेंट में जो फ्लक्चुएशन हो रही है उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे प्राइवेट इंटरप्राइजेज जो है फ्री हैं, वो कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं। द इंस्टेबिलिटी फर्दर इंक्रीजेज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ, अगर हमारा जो है कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट में कुछ भी चेंज हो रहा है, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड का आपको पता होता है कि क्या क्या कंपोनेंट है, सी प्लस आई प्लस जी, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू होता है हमारा सी प्लस आई प्लस जी,
तो अगर उसके कंपोनेंट में कोई भी चेंज हो रहा है तो वो सीधे जो है मल्टीप्लायर में जो है चेंज लाएगा मैग्नीट्यूड में, क्योंकि मल्टीप्लायर जो डिपेंड करता है हमारा एमपीसी, ठीक। व्हेन कंजप्शन इनकम एंड आउटपुट इंक्रीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट दे इंड्यूस फर्दर चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो कंजप्शन है वो उससे जो है चेंज होगा इनकम आउटपुट, तो जब आउटपुट इनकम होगा तो उसके बाद तो फिर हमारा इनकम भी इंक्रीज होगा, इनकम के इंक्रीज होने से हमारा इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा। तो जो हमारा ये इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे जो है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज कैपिटल गुड इंडस्ट्री डिपेंड अपॉन द कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी जो हमारा एक्सीलरेटर है वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में जो है कि हमारा कैपिटल गुड इंडस्ट्री के लिए डिपेंड करता है। तो अगर हमारा मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर जो है कि इंटरेक्शन होता है तो उसमें जो है कि एक्सटर्नल शॉक्स जो होते हैं वो हमारे बिजनेस साइकिल्स को जो है राइज कर देते हैं, ठीक, विदाउट एनी इंटरेक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर। तो जो है कि ये पैटर्न जो होता है वो हमारे एमपीसी पे डिपेंड करता है और कैपिटल आउटपुट रेशियो यानी कि एक्सीलरेटर पे जो है डिपेंड करता है। द मॉडल ये है हमारा, आप अगर मैथमेटिकल टर्म्स में करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे ये मॉडल भी बता दे रही हूँ आपको। द मॉडल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर कैन बी मैथमेटिकली प्रेजेंटेड। तो यहाँ पे जो है इनकम इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट दिया है, फिर कंजप्शन फंक्शन का पार्ट दिया हुआ है, फिर इन्वेस्टमेंट का पार्ट दिया हुआ है। ये आपको पूछता नहीं है, बस यहाँ पे ये प्रूफ किया है कि हमारा जो है ये इंक्रीज इन इनकम, ये जो है कि जब हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो ये पहले मल्टीप्लायर के थ्रू इंक्रीज होता है, फिर ये जो है एक्सेलरेटर के थ्रू जो है इंक्रीज होता है। और यहाँ पे जो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पे भी जो है फोकस किया गया है, ठीक। तो ये स्लाइड आपको दे दी गई है, आप देख लीजिए। तो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे बताया गया कि जो है कि हम एमपीसी की और कैपिटल आउटपुट रेशियो यानी कि एक्सीलरेटर की डिफरेंट डिफरेंट जो वैल्यू लेते हैं, तो सैमुएलसन ने उसके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के साथ जो है डिफरेंट पाथ को जो है डिस्क्राइब किया है जो कि हम जिससे इकोनॉमी में फॉलो करती है। यानी आपने जो ये रीजन वाला पार्ट देखा जहाँ पे मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर की वैल्यू थी, ठीक, वहाँ पे ये चीज़ इन्होंने जो है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जो है डिस्क्राइब किया है थ्रू द मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर। तो जो ये यहाँ पे एक हमारा ये यहाँ पे ये डायग्राम है, ठीक, यहाँ पे ये अल्फ़ा है मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर का दिया हुआ वैल्यू बीटा, ठीक। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर हम अल्फ़ा को लेके चल रहे हैं, एक्सीलरेटर हम बीटा को लेके चल रहे हैं। ये रीजन हमारा ए है, ये रीजन हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये डी है। इसके अलावा एक और ग्राफ है, आप ये देखिए। यहाँ पे जो ए और बी रीजन है वो बिल्कुल एक जैसे हैं और वो डिस्टरबेंस की वजह से जो है चेंजेज होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में, जिससे की वजह से वो कंजप्शन में चेंजेज होता है। फिर जो है कि ये जो है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है इकोनॉमी में, लेकिन ये जो है जो ये पाथ बनता है पाथ वो लगभग जो है सेम रहता है। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू है, सेम फिगर यहाँ पे भी है, लेकिन वो रीजन यहाँ पे डिफरेंट है। एक यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये डी है, ये सी है, एक रीजन यहाँ पे ई भी है, ठीक। और यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन ऑफ जो है एक्सीलरेटर और मल्टीप्लायर, ठीक, और एक यहाँ पे ये हो गया, ठीक। तो अब हम जो है आपको ये 0.5 है, ये पॉइंट ये इसकी वैल्यू के बारे में, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये जो है कि इसका जो है पैनल है किस तरह के से होते हैं, जो है ऑसिलेशन जो होता है किस तरीके से होता है, ठीक। तो ये वाला जो है रीजन ए में होता है इनिशियल इक्वलाइजेशन से, जो कि ऑटोनोमस चेंजेस की वजह से होता है, और ये वाला भी चेंजेस जो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की वजह से होता है, ठीक। तो अब हम जो है पढ़ते हैं इसके बारे में। द केस ऑफ रीजन ई लाइज इन बिटवीन द टू एज द कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू जो है हमारा
MPC और जो है मल्टीप्लायर और एक्सेलेरेटर इन इट्स आर सच दैट एक्सेलेरेटर इक्वल्स टू कैपिटल आउटपुट रेशियो सच दैट कॉज साइक्लिकल मूवमेंट ऑफ इनकम विच नेदर मूव टूवर्ड नॉट अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम इट इज वर्थ नथिंग दैट ऑल ऑफ द एवर फाइव केसेस डू नॉट गिव राइज टू साइक्लिकल फ्लक्चुएशन ऑफ बिजनेस साइकिल. यानी कि ये जो पांचों चीज़ें हैं वो जो है उस बिजनेस साइकिल को जो है फ्लक्चुएट तो करती है बट उसको राइज नहीं करती कि कितना ज़्यादा होगा. ठीक. और ये जो रीजन ई है, ये रीजन ई जो है यहाँ पे मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर जो है कि साइक्लिकल मूवमेंट की वजह से होता है यहाँ पे. ठीक. और ए और बी का अब हो गया. अब हम चलते हैं सी डी वाले पे और इसी को जो है हम बाद में इस पांच फिगर में देखेंगे पांचों का. इट इज ओनली कॉम्बिनेशन ऑफ जो है मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर लाइंग इन रीजन बी सी ई दैट प्रोड्यूस बिजनेस साइकिल. यानी कि जो बी और सी और ई है वो बिजनेस साइकिल को प्रोड्यूस करते हैं. द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेटर एंड मल्टीप्लायर इन रीजन ए आर सच दैट विद अ डिस्टर्बेंस की वजह से जो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है जिसकी वजह से कंजप्शन में चेंज होता है ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक. तो उसके अलावा जो है कि ये अगर कंजप्शन चेंज होगा तो इनकम लेवल चेंज होगा GNP जिसकी वजह से ये इनिशियल इक्विलिब्रियम जो है चेंज होकर के इक्विलिब्रियम से ये ऑसिलेशन की तरफ बढ़ेगा. यानी कि यहाँ पे कोई साइक्लिकल फ्लक्चुएशन नहीं होगा. जैसे ये इस तरीके का फिगर देखिए, इनिशियल इक्विलाइजेशन साइक्लिकल तब होगा जब ये इसका जो टाइम पीरियड है ये एकदम बराबर ऐसे हो. ठीक. बट यहाँ पे देखिए ये ऐसे होके यहाँ से कम हुआ, फिर ज़्यादा हो गया, फिर कम हो गया, फिर ज़्यादा हो गया. इस तरीके से जो है ऑसिलेशन होता है. ठीक. तो यहाँ पे ये जो है ये ऑसिलेशन बता रहा है जो कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से हो रहा है. तो सैमुलसन जो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को जो है फोकस करते हैं और उसके अलावा ये मल्टीप्लायर और ऑसिलेशन को फोकस करते हैं. और ये हमारा पैनल ई भी है जो कि ऑसिलेशन यानी कि यहाँ पे जो है इक्वल जो है कि साइक्लिकल चेंजेस नहीं है, यहाँ पे ऑसिलेशन है, कम ज़्यादा है. आप इसको भी उसी में लेके जाएंगे. ठीक. अब हम नेक्स्ट अपना देखते हैं सुपर मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट किसने दिया है. तो आपने देखा होगा. तो ये इनकम और आउटपुट देखिए पैनल ए का है, रीजन ए का. यहाँ पे इनिशियल इक्विलिब्रियम इस तरीके से ये गया हुआ है. ठीक. ये हमारा पैनल बी का है जहाँ पे ये देखिए इस तरीके से, यानी किसी का भी पेंडुलम जो है साइक्लिकल नहीं है. ये नेचर साइक्लिकल है बट वो इक्विलिब्रियम वाला साइक्लिकल वो नहीं है. यहाँ पे देखिए सी का, यहाँ पे सीलिंग आउटपुट और ये, तो आपको ये रीजन पूछता है. ठीक. तो ये आपका पूछता है. तो पहला वाला ये आपका हो गया, ये हमारा जो है कि डिस्टर्बेंस की वजह से फ्लक्चुएशन होता है. बी सी और ई में हमारा जो है ऑटोनोमस चेंज होने की वजह से जो है फ्लक्चुएशन होता है. और रीजन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक जो जाता है वहाँ ए होता है. रीजन के बारे में ही ज़्यादा पूछता है. ये वाला जो है बी होता है, मैं आपको इसके क्वेश्चन दे दूँगी. और ये वाला ई होता है और ये सी होता है, ये डी. दूसरे फिगर में आप देख सकते हैं ये ए बी और सी और डी और यही पे जो है यहाँ पे सी है, यहाँ पे ये इसने ई बताया. ठीक. दूसरे में अब हम जो है कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर मल्टीप्लायर जो कि आपको पता है हिक्स ने दिया हुआ है. द ट्रेड साइकिल थ्योरी बाय इट्स अलायंस विद द मल्टीप्लायर प्रिंसिपल प्रोफेसर सैमुलसन हैज बिल्ट अ मॉडल ऑफ मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर इंट्रैक्शन. इसी पे जो है इनका बिजनेस साइकिल थ्योरी बेस्ड है. ही कुड शो दैट द इंट्रैक्शन ऑफ द एक्सीलरेटर विद द मल्टीप्लायर इज कैपेबल अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंस ऑफ जनरेटिंग कंटिन्यूअस साइक्लिकल फ्लक्चुएशन. ठीक. तो यानी कि मल्टीप्लायर और इंट्रैक्शन के जो है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कैपेबल बनाते हैं जिससे कि साइक्लिकल फ्लक्चुएशन हो सके. तो पॉल सैमुलसन, फिर हिक्स और हैरोड हैंसन ये जो रहे सक्सेसफुल हुए जो टू कॉन्सेप्ट दस इंट्रोड्यूस रिमार्केबल इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक ग्रोथ. यानी इन्होंने जो है कि दो ग्रोथ थ्योरी को जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और फिर जो है कि ये मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर का जो है नेशनल इनकम पे जो क्या होता है इफेक्ट, उसके लिए ये कराते हैं. तो द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑटोनोमस एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट आर एक्सप्रेस इन व्हाट हैंसन कॉल्ड द सुपर मल्टीप्लायर. हैंसन ने कहा क्या कहा कि जो कंबाइंड इफेक्ट होता है ऑटोनोमस का और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का उसको जो है सुपर मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट कहते हैं. द डिफरेंट पार्ट ऑफ जो है टाइम फ्लक्चुएशन. तो ये वाला पोर्शन हम जो है अभी कर लेते हैं. तो इन्होंने जो है कि अभी आपको पता है बताया मैंने कि अल्फ़ा और बीटा की डिफरेंट वैल्यू के साथ जो है कि सैमुलसन ने जो है अलग अलग जो है कि
फोर डिफरेंट पाथ दिए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे सुपर मल्टीप्लायर के थ्रू। तो ये इनकम है, एक्सेलरेशन मल्टीप्लायर इंट्रैक्शन का जो है यहाँ पे दिया हुआ है जनरेट, जो कि ट्रेड साइकिल जनरेट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो है ये टाइम पीरियड है, यहाँ पे इनकम है, और यहाँ पे ये हमारा एक्सेलरेटर और मल्टीप्लायर के थ्रू जो है किस तरह से फ्लक्चुएशन हो रहा है ये दिखा रहा है। ठीक, तो इन द एनालिसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर वर्किंग टुगेदर द वैल्यूज विच वी अज्यूम आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। इफ द वैल्यू ऑफ के एंड ए आर हाई, इनकम वुड राइज कंटिन्यूसली एट एवर इंक्रीजिंग रेट, देयर वुड बी नो डाउन टर्न एंड देयर फॉर नो साइकल्स। यानी कि तो ये मल्टीप्लायर और इंट्रैक्शन का जो प्रोसेस रहता है, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर और यहाँ पे एक्सेलरेशन, ये अगर हाई होते हैं तो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते हैं और यहाँ पे कोई भी साइकिल नहीं बनता है। अब यहाँ पे हम जो है कर्व ए इन फिगर 11.2 को देखते हैं। ये पाथ वाला पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे विद द जो क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।